हरे कृष्ण। आइए आज हम संक्षिप्त में आपको ये बताएंगे कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का इतिहास बताएंगे, इनकी शिक्षाएं क्या हैं ये बताएंगे और आज समाज में इस संस्था की सहभागिता की जानकारी भी देंगे। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या संक्षेप में आई से इंटरनेशनल, एस से सोसाइटी फॉर के से कृष्णा और सी ओ एन कॉन से कॉन्शियसनेस यानी ISKCON इस्कॉन कहते हैं। ये कोई नया संगठन नहीं है। लोगों में ऐसी भ्रांति है कि इस्कॉन एक नई कोई विदेशी संस्था है। इसके विपरीत इस्कॉन सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हजारों साल पुराने एक वैष्णव संप्रदाय जिसे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं उसका ही एक अंग है। संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु इस्कॉन की स्थापना कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। श्रील प्रभुपाद को सन 1922 में अपने गुरु से ये निर्देश मिला था कि तुम एक पढ़े लिखे युवक हो और तुम्हें अंग्रेजी भाषा में भी निपुणता प्राप्त है, तो क्यों नहीं तुम पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और जब भी तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो तो गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ और साहित्य को छापकर उसे वितरित करो। श्रील प्रभुपाद जो उस समय अभय चरण डे के नाम से जाने जाते थे, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी थे। गुरु की आज्ञा पाकर वे केवल देश की भलाई ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की मनुष्य जाति की भलाई के लिए अपना ये जीवन समर्पित करने को तत्पर हो गए। मात्र 55 वर्ष की उम्र में गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। 69 वर्ष की आयु में जब वे अथक प्रयासों के बाद जलदूत नामक मालवाहक जलयान द्वारा 37 दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात अमेरिका पहुंचे तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि दाएं जाएं या बाएं जाएं। यात्रा के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक आए थे, परंतु उनका कृष्ण भक्ति के प्रचार का निश्चय दृढ़ रहा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या है। भौतिकता से ग्रस्त यहाँ के लोग मुझे क्यों सुनेंगे, पर मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आपने यदि मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर इसमें आपकी कोई ना कोई योजना होगी और मैं एक कठपुतली की तरह आपके हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आपको मुझे जैसा नचाना है वैसे नचाइए। 70 वर्ष की उम्र में 1 वर्ष के कठिन संघर्ष के पश्चात उन्होंने इस्कॉन की स्थापना के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दिया और 13 जुलाई सन 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई। स्थापना के समय श्रील प्रभुपाद के साथ गिने चुने भक्त ही थे, परंतु उनकी दूरदृष्टि से वे देख सकते थे कि इस्कॉन एक विश्वव्यापी संस्था बनेगी। उनके अनुयायी समाज के सबसे निकृष्ट समझे जाने वाले वर्ग से आते थे। लोग उन्हें हिप्पीज के रूप में जानते थे। उन्हें कृष्ण के विषय में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था और वो सदैव नशे और व्यभिचार में लिप्त रहते। परंतु श्रील प्रभुपाद के पिता तुल्य स्नेहिल व्यवहार और भगवद गीता के ज्ञान के सरल व्याख्यान सुनने के बाद ये सभी अनुयायी हिप्पीज से हैप्पीज बन गए। वे भारत के उच्च कोटि के ब्राह्मणों की भांति सभी नियमों के पालन और शास्त्र अध्ययन में निपुण हो गए। वे कलयुग में सबसे सरल और उत्कृष्ट हरिनाम संकीर्तन में जैसे रम से गए। यहां तक कि 1971 में इस पर एक फिल्म भी बनी, लेकिन यह अलग बात है कि भक्तों के गलत चित्रण के कारण उस समय समाज में इसका गलत संदेश भी गया था। लेकिन ये 19-20 वर्ष के युवा भक्त सनातन धर्म के 4 स्तंभों के आधार दया, तप, सत्य और शुद्धता का कठोरता से पालन करने लगे थे। मांस भक्षण त्याग, किसी भी प्रकार के नशे का त्याग, किसी भी प्रकार के जुए, लॉटरी या सट्टे का त्याग और व्यभिचार यानी विवाह के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री पुरुष संग के त्याग से शुद्धता द्वारा इन स्तंभों का आधार बनता है। आज भी सभी इस्कॉन के भक्त इन नियमों का पालन करते हैं और एक स्वच्छ निर्मल जीवन का आनंद लेते हैं।
इसके अलावा सभी भक्त नियमित रूप से निश्चित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का माला पर जप करते हैं। इस्कॉन की स्थापना के पहले श्रील प्रभुपाद ने सन 1953 में झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज नामक संस्था की स्थापना करने का प्रयास किया था, परंतु भारतीयों के उदासीन और बेरुखे व्यवहार और कोई सहायता न मिलने के कारण उनका ये प्रयास विफल रहा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः विदेश में जाकर भगवान ने उनके संघर्ष का फल दिया। फिर जब वे विदेशी वैष्णव भक्तों को लेकर संपूर्ण विश्व में प्रचार करने निकले तो हर तरफ लोग आगे बढ़कर गौड़ीय वैष्णव परंपरा के इस नए उद्यम यानी इस्कॉन को स्वीकारने लगे। 1966 से 1977 मात्र 10 वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। इस समय पूरे विश्व में लगभग 600 इस्कॉन के मंदिर हैं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार इस्कॉन के मंदिर फूड फॉर लाइफ या सबके लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं, और अब तो भारत सरकार ने भी इस्कॉन की इस योजना से प्रेरणा और सहायता लेकर सरकारी स्कूलों में लगभग 5,00,000 बच्चों को प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन देने की परियोजना को अंजाम दिया है। इस्कॉन के कई भक्तों ने मिलकर संपूर्ण विश्व में अनेक स्वपोषित ग्रामीण योजनाएं आरंभ की हैं, जिसमें वे शहरों की भौतिकता और भाग दौड़ से परे सादा जीवन और उच्च विचार को वस्तुतः जीते हैं। अनेकों गौशालाओं में गायों का संरक्षण होता है। प्राचीन वैदिक पद्धति से गुरुकुल चलाने के प्रयास भी अनवरत चल रहे हैं, और साथ ही साथ मंदिरों में हर आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने घर में रहते हुए अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए व्यक्तिगत परामर्श और देखरेख में भक्तिमय जीवन जीने की प्रेरणा और सहायता भी दी जाती है। सभी अपने अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक सुखमय और शांतिमय जीवन जीने का प्रयास करते हैं। आशा है इस जानकारी से आपको इस्कॉन के विषय में काफी कुछ पता चला होगा। एक बात की पुष्टि तो हम कर सकते हैं कि इस्कॉन के भक्त समाज में एक अच्छे आदर्श जीवन के उदाहरण हैं, जो इस जीवन को तो सुख और शांतिपूर्ण तरीके से जीते हैं ही, साथ साथ शास्त्रानुसार अगले जीवन के अपने गंतव्य को भी सुधार लेते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं। आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाकर कृष्ण भक्ति के सरल आयामों को अपने जीवन में जोड़िए और शांत सुखमय भक्तिमय जीवन का आनंद उठाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।